यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रमुल हराम तक लोगों को रिक्शा की सर्विस फ्री देते हैं। तुसी लोगों को फ्री सर्विस देते हो, तुम्हारे बच्चों का गुजारा किस होता है? बेटा ये इंतजाम जेड़ा है ना, मैं पहले किया होता है, खुफिया तौर पे घर रखा होता है। इस काम नु कितनी देर होगी? ए मुहर्रम 10 पूरे होंगे ते बेटा मनु पूरे 12 साल। परेशानी ते आई है बेटा, पिछला साल पेट्रोल 300 कुत्ते सी, एहो ही मेरा रोजगार है, एदे ही सी मैं ए काम भी करना। लाहौर दे विच केरे कोने दी भी सवारी ने जाना होवे ओथे जावा मैं लेके जा। मेरी मोहब्बत है इन्हां दे नाल कि मैं 12 साल कट गया, अगर मैं पैसे पीछे जांदा ते मैं कसम खा के कहना कि मैं 10 दिन नहीं सी चल सकदा। 10 दिन तुरंत तुहाडा कदी कोई चलान होया होवे? ओ चिट्टे वालां दी हजार रख दे। मेरे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं जो हर साल यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रमुल हराम तक लोगों को रिक्शा की सर्विस फ्री देते हैं। इनसे जानते हैं कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ये जो इजाज़ बख्शा है, इसके लिए इनको कुछ मेहनत करनी पड़ी, इन्होंने कितनी को दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इस मोहब्बत से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, सब तो पहले तो मैनू तुसी अपना नाम दसो, तुहाडा नाम की है? बाबा इमरान हुसैन। बाबा इमरान हुसैन, तुहाडे किन्ने बच्चे ने? तीन बच्चे ने। तीन बच्चे ने, माशाल्लाह तुसी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की खिदमत कर रहे हो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुरबानी का दिन है, तुसी उन्हें मुख्तलिफ तरीके नाल मनाते हो, लोग जोशो खरोश नाल इस दिन नू याद करते ने, इंदा सोग मनाते ने, लेकिन तुसी लोगों नू फ्री सर्विस देंदे हो, तुहाडे बच्चों का गुजारा किंज होंदा? बेटा ये इंतजाम जेड़ा है ना, मैं पहले किया होंदा, कुछ महीने पहले मैं पैसे अपनी कमाई जोड़ा मैं रिक्शा चलाना ना, उसे चो कुछ कमाई मैं जेड़ा ना खुफिया तौर पर घर रखा होंगे, यानी जिदे मेरे बीवी बच्चों इलम नहीं होता कि मैं पैसे रख रहा। अच्छा, वो इस वास्ते नहीं उन्होंने दसदा कि अगर घर मेरे कोई तंगी आ जाए तो वह मेरे पैसों में फोकस करे कि प्यो ने चलो ये इस्तेमाल कर लवो। तो स्टार्टिंग जी लैनी है बेटा, ये शुरू तो मेरी रूटीन रही है कि मैं इस तरह ही करना। तो खान पीन का जोड़ा मसला बेटा, वो राजक है अल्लाह की जात, और कोई शख्स ऐसा नहीं इस कायनात दे विच अल्लाह दा कि जेड़ा भुखा सो जावे और अल्लाह उन्हें रोजी ना दे, अपनी मर्जी ना कोई भुखा सो जावे तो सो जावे, अल्लाह भुखा नहीं सौन दे। बिल्कुल चाचा जी, ये कहना तुसी नेक काम शुरू किया, नेक काम दे शमूलियत की हुई है, इस काम नु कितनी देर होगी? ए मुहर्रम 10 पूरे होंगे ते बेटा मनु पूरे 12 साल हो जाने। माशाल्लाह। और 2012 च मैं शुरू किया सी ते 9-10 मुहर्रम 2 दिन चलाया सी, और उहदे विच बेटा कि जिसले मैं ये सोचा कि अल्लाह के बड़े बड़े बंदे ने इस रस्ते दे विच, और हर कोई इन्हां दे नां दी नियाज दे रहा है, बिल्कुल, और इन्हां नाल प्यार कर रहा है, उहदे विच बेटा मैं ये काम किया कि मैं रक्षे दे अपने हाथ नाल मार्केट दे नाल लिख के मैं अगे पिछे लाता, फ्लैक्स नहीं सी उदों। ते दोबारा बेटा मैं जिसले चलिया 9 मुहर्रम नूं 200 रुपया मेरे कोल सी ते टैंकी फुल सी, ते दिमाग से खचाओ सी कि मैं 2 दिन चलांगा किस तरह, कि ना मैं पैसे मंगने ने ना किसी को पैसे लेने ने। क्या बात। ते मैं टुट पिया, मैं कहा चलो अल्लाह तबक्कल, अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लाती है, इन्हें पाकों की मैं ड्यूटी करा, ते मैं चल पिया। सर्विस हॉस्पिटल के कोल एक गड्डी रुकी, हाथ दिता, 100 रुपया मन दिता कि बाबा जी साढ़े लोग पेट्रोल पवा रहे। वाह वाह। कड़ियालो जी तक मैं पहुंचा तो फिर एक गड्डी ने मैनू रोकया, तो उन्हें कहा बाबा जी 1000 रुपया मेरे को रखो, तो पेट्रोल जरा ना मेरे लो तुम पाना। उत्थे मैं क्लीयर हो गया कि मैं एवं ही अपने दिमाग में खिंचया आया है कि मैं 2 दिन किए चलागा। वो मेरी समझ च उस वेले आ गया कि जिन्हों के ना तो मैं चला रहा ये उह चलागे। बिल्कुल। और फिर 2 दिन जरा ना बेटा पैर जमीन ना नहीं लगे। क्या बात। और उदो हालात बेहतर सन, पेट्रोल भी सस्ता सी, यानी परेशानी। हूँ परेशानी तो आई है बेटा, पिछला साल पेट्रोल 300 होते थे ते इस साल, लेकिन फिर भी चलता पाया। इतने भी मेरा यकीन और मेरा तकवा मजबूत है कि अल्लाह पाक ने इन्हों के सदके चलाई जाने रुकेगा नहीं। किवें तुसी कह रहे हो कि 12 साल हो गए तुहानू यह काम करते, माशाल्लाह बहुत ही, कैसी चीज है किन्ने तुहानू इस काम की तरफ माइल किया, की दिमाग दे विच की आया? ये बेटा अल्लाह पाक को ही होंदा वे कि मैं अक्सर मुहर्रम से सफर से इन चीज़ों के उत्ते ना मैं ये देखना था दुनिया में लोग देगा दे रहे हैं और शबील एडिया एडिया वगी हुई ने, और इन्ना कुछ लंगर के मैं ये नहीं कहता कि लखा लोग, मैं कहना करोड़ों लोग खाते ने, और अल्लाह पाक उन्होंने दे रहा इन्ना कि वो इन्हों ना के उत्ते
सौ सौ देगा भी पकाते हैं, लेकिन मेरे असीयत बेटा देखो सच्ची सच मेरा ही रक्षा है, यही मेरा रोजगार है, ये ही मैं यह काम भी करना और मेरा कोई मसाइल नहीं है। लाहौर दे विच किहड़े कोने दी सवारी ने जाना होवे उत्थे जाना, मैं लैके जाना, यानी कि मैं सवारी लैके गया बेटा जी बैरिया तक, फिर उस तो बाद काना ठोकर, ठोकर तो भी अगे मुल्तान, यानी सवारी किसे पासे दी होवे जिहड़ा मेरे को खलो गया आके वह वापस नहीं मैं कर सकता। हाँ वह कोई भी है तो सारे वास्ते मैं चलाना। अगर तुहाडे रक्षे दे विच छे सवारियां बैठियां ने, लेकिन छे सवारियां दे मुख्तलिफ स्टाप ने जी, किसे ने रायवंड वाली साइड ते जाना, रायवंड रोड ते, किसे ने शदरे जाना है, किसे ने ठोकर जाना है, ते फिर उन्हां नूं किन हैंडल करदे? नहीं ऐसा होया नहीं कभी, जिहड़ी सवारी बैठदी है ना बेटा इक्को जगह दी बैठदी है, मैनूं भावे ओह इक्को होवे भावे छे होण ते भावे अठ होण, फिर मैं अपने नाल अगे वी बिठा लैंदा। कदी कोई इंज होया होवे कि एक बंदा पराडो दे विच उठिया उहनूं तुहाडा काम अच्छा लग्गा है वड्डी गड्डी दे विचों निकलिया, तुहानूं चैक करन वास्ते कदी जमान वास्ते उन्हें आख्या कि बाबा जी मैनूं थोड़ा जाके छड्ड दे, कदी इंज होया होवे? ये चैकिंग हर साल जारी रही है, हुण भी जारी है, राती हो गई चैकिंग कसरे बतूल पे। अच्छा दो आए ने मोटरसाइकिल से असी गामे शाह जाना, लेकिन मैं उन्होंने यही गल कही मैं क्या बेटा इस वे मेरी ड्यूटी होंगी इमाम बारगाह से, मैं इतों इन्होंने लैना छड़ना होंगे, वह मुड़ के मोटरसाइकिल आ गई, जो मोटरसाइकिल के उत्ते सिर्फ देख रहे सन। ये जी चैकिंग है ना बेटा ये शुरू तो मैं फोन करते हैं कई लोग एवं, अच्छा बाबा जी कोई पैसे की जरूरत हो दसो, मैं कहना बेटा मेरे लिए दुआ करो कि मैं जो कर रहा मैं इज्जत के नाल दिन पूरे कर। बिल्कुल, और ये एक बार का वाकया नहीं, हूँ भी हो रहा, अगे पिछे भी हो रहा, अगली जिंदगी भी होता रहेगा कि लोग मैं चैक करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये मेरी नीयत और मेरी मोहब्बत है इन्हों के नाल कि मैं 12 साल कट गया, अगर मैं पैसे पीछे जाता तो मैं कसम खा के कहना कि मैं 10 दिन नहीं सी चल सकता, 10 दिन कि लोग देखते हैं कि ए जी पैसे तो नहीं बाबा ही मंग रहे, या किनिया सवारियां 10 सवारियां पैंदियां 9 पैसे नहीं दे रहे कि हिस्सा नहीं पा रहे, एक बंदा कहता जी बाबा जी मेरे लिए पेट्रोल पवा लेना, वो मैं लैके लैदा रख लिया, हूँ कल मैं पेट्रोल लवा रहा पंप के उत्ते, वो मियाँ बीबी सन बच्चा सी उन्होंने नाल, उन्हें 500 रुपया दिता। अच्छा उन्हें कहा बाबा जी मेरा हिस्सा पा लो, उसने सामने मैं अपने पैसों के नाल उसके पैसे रख दिए। क्या बात, तो मैं कहीं टैंकी फूल कर दी बाबा जी दौरान ड्यूटी, अगर कदों तुम सवारियों छड़न जाते हो इमाम बारगाह तो चुक के अगे लैके जाते उन्होंने मंजिल तक पहुँचाते हो, उस दौरान तुहाडा कभी कोई चलान होया? नहीं चलान कभी नहीं होया, कभी नहीं बॉर्डर वाले, वैसे भी बेटा मैं उन्होंने देखे अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे के वो चिट्टे वालों की हजार रख दे, अल्लाह पाक उन्होंने अपनी हिफाजत और अपने ईमान रखे कि वह बुजुर्ग आदमी कोई भी हो ना बेटा, अज तक वैसे मैं नहीं देखा कि मेरे कभी कोई किसी ना मैं बदतमीजी ना भी नहीं बोलते कि मेरे नाल उन्होंने कभी कोई ऐसी लूज टॉकिंग भी की। माशाल्लाह माशाल्लाह पाक दौरान सर्विस तुम्हारी जिंदगी दे विच कोई ऐसा वाकया केड़ा तुम्हें बार बार याद आता हो इस काम के दौरान? ये सब तो ज्यादा यह हुई है जी कि मैं जिसने रिक्शा लैके निकलना ना तो लोग रोडों के उत्ते मोटरसाइकलों से गड्डिया वाले पैदल आए मनु दुआवा जरूर देंगे, और यह मैं नहीं भूलता कि मनु इस काम के दुआ बोल। माशाल्लाह किंज एक काम फ्री है पाकिस्तान दे विच, फ्री काम मौजी बड़ा लोग जोश खरोश नाल उन्हों कहिंदे ने कि सानू हर चीज़ फ्री मिल जाए, तुसी रक्षा रोकदे हो ते यकदम तुहाडे कोल रश पै जांदा हुंदा है कि मैनू लै जाओ चाचा जी मैनू लै जाओ मैनू छड्ड दे। हाँ ऐसा हुंदा, लेकिन जिस सवारी ने पहले गल कर ली थी उन्होंने कह देना बेटा इन्होंने कर ली थी इहो ही जाणदे वेखण वालियां नू नाज़रीन नू की पैगाम दोगे? मेरा पैगाम बेटा जी इहो ही है कि अल्लाह पाक दा फरमान है कि मैं बंदा मनु याद करता तो मैं अपने बंदे नू भी याद रखना, लेकिन कुछ असी लोग ऐसे हालातों के चले गए कि असी अल्लाह नू भुलते जा रहे हैं, हकीकत दे विच ना ज्यादातर आवे कि दुनिया के कामों च असी बहुत ज़्यादा खुब गए, उहदे च इह आवे कि हर बंदा अस्तगफार करे, एक छोटा जिहा वज़ीफा है जिसले अस्तगफार कसरत दे नाल करेगा तो अल्लाह पाक उन्हां ते अपनी खास रहमत फरमाएगा, और दूसरा है वे बेटा कि मेरी इस काम दे च 12 साल होए ने और मैं हूँ दुआ यही शुरू की है कि अल्लाह मैनू 12 साल हो गए ने चलांदियां ते मैं अगर अच्छा काम किया तो मैं हर चेहरे ते खुशी देखा, परेशानियां ना रहन किसी की,
जेडे बे औलाद ने अल्लाह उन्होंने सहबे औलाद कर दे, जेडे बीमार ने अल्लाह उन्होंने सेहत दे, जेडे जिन्हों की रोजी च कमी अल्लाह उन्होंने रोजी च बरकत दे। और ये राय हक है कि हक के उत्ते गल करो, मरना हर किसी ने में, लेकिन जेड़ा तुसी हक खा के किसी का कबर च जाओगे उसका तुसी हिसाब कम तक देंदे रहोगे, तो तुहाड़ी आवाज़ और चीखो पुकार बार सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो इस वास्ते जेड़ा भी कम करना हक से करो और नेकी और भलाई करो जी कर सकते हो। इर्द गिर्द के लोगों को अपने इर्द गिर्द कुछ देख दो अपने जानने वाले, तो उन्होंने जी मदद कर सकते हो जरूर करो जी। बिल्कुल, बाबा जी इमरान हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 12 सालों से ये कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रम तक पूरे लाहौर में ये रिक्शा की सर्विस फ्री देते हैं। चाहे कोई अमीर बाप का बच्चा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, इन्होंने किसी से कोई कभी पूछा ही नहीं कि बच्चे आप अमीर हो या गरीब हो, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको इनका ये नेक काम अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे दें नियो प्लस इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह।